नमस्कार दोस्तों, आज़ाद लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है और उम्मीद करता हूँ मेरे सभी सब्सक्राइबर भाई एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ हम खास जानने वाले हैं, पर उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, अगर आप आज़ाद लाइफ स्टाइल चैनल की इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे, क्योंकि जो भी मैं वीडियोज़ लाता हूँ वो इन्फॉर्मेशन तो काफ़ी ज़्यादा काम की होती हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हम जान लेते हैं ऐसे कौन से फीचर, ऐसे कौन से सेटिंग्स हैं जो आपको कहीं और नहीं पता चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट हमारी फ़ोन में जो सेटिंग है, सेटिंग में आ जाते हैं। तो हमें आ जाना है यहाँ लैंग्वेज इनपुट में, ये आपका एडिशनल सेटिंग में आएगा। अगर एमआई का फ़ोन है आपका तो एडिशनल सेटिंग में आ जाएंगे यहाँ पे आपका लैंग्वेज इनपुट। इसके साथ ही नीचे आप यहाँ पे देख पाएंगे जी बोर्ड का आपका ऑप्शन दिखा रहा होगा, जी बोर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है एडवांस। तो यहाँ पे आपने एडवांस पे जैसे ही क्लिक करते हैं, नीचे आप देख पा रहे हैं दो ऑप्शन है जो कि आपके इनेबल हैं, जैसे कि शेयर यूजर स्टेटिक्स, तो ये क्या है, शेयर स्नैप सेकेंड वाला, तो दोनों ही इनेबल हैं। दोस्तों यहाँ पर ये सेटिंग ये है कि आप जो भी अपने कीबोर्ड पे, जो आपका जी कीबोर्ड है उस पर आप जो भी टाइप करते हैं वो सभी शेयर होता है गूगल पे। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जो भी मैं प्राइवेट सर्च कर रहा हूँ वो गूगल को ना पता चले, तो आप इन दोनों सेटिंग्स को डिसेबल कर देंगे। दोस्तों ये वैसे ज़्यादातर उनके काम आती है जो कुछ पर्सनल लोचा करते हैं, उनके काम आते हैं, लेकिन अदरवाइज़ ये सेटिंग काफ़ी ज़्यादा काम की है। अगर आप कुछ पर्सनल अपना कीबोर्ड पे टाइप करते हैं जैसे कि डेबिट कार्ड, जैसे भी, तो आप इसे डिसेबल कर सकते हैं दोस्तों। तो ये आपका जो कि फर्स्ट सेटिंग हुई दोस्तों, अगर ये आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। बढ़ते हैं हम अब सेकंड अपने सेटिंग्स की ओर। तो दोस्तों हमारी जो सेकंड सेटिंग है सीक्रेट सेटिंग, उसके लिए हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं हमने गूगल सेटिंग। आप फॉर्म कर लीजिएगा, सब फॉर्म में अलग अलग होता है, तो आप सर्च करना चाहें, मेरे में ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे मैं गूगल सेटिंग का जो ऑप्शन मिल गया मुझे, तो नीचे आप यहाँ पे लेके आएंगे। सबसे नीचे आप यहाँ देख पा रहे हैं स्मार्ट लॉक फॉर पासवर्ड्स, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। ये ऊपर आप देख पा रहे हैं दो सेटिंग्स इनेबल है, तो दोस्तों ये इनेबल ही रहने चाहिए। अब ये आपको बताना चाहूँगा ये किस काम आने वाली है हमारे, तो यहाँ पे ये इस काम आने वाली है दोस्तों कि आप मान लीजिए जैसे कि आपके फ़ोन में जीमेल आईडी कोई भी आपकी लॉगिन है जैसे कि गूगल सेटिंग्स में, तो बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जो कि डायरेक्ट ही यहाँ से लॉगिन ले लेते हैं। जैसे कोई भी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो वो साइन इन के लिए बोलता है, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है गूगल जीमेल अकाउंट से लॉगिन के, तो उस पर आप क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक ही वो आपकी जीमेल आईडी से लॉगिन हो जाता है। तो दोस्तों मान लीजिए मेरा कोई ऐसा एप्लीकेशन जैसे कि यूसी ब्राउज़र, जिस पर मैं ट्रस्ट नहीं करता बिल्कुल भी, और मैं अपना जो भी डेटा, ईमेल आईडी, पासवर्ड नहीं शेयर करना चाहता, जैसे कि ऑटोमेटिक पासवर्ड सेफ हो जाते कभी कभार, तो वो सब मैं बिल्कुल भी नहीं शेयर करना चाहता यूसी ब्राउज़र पे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो यूसी ब्राउज़र चाइना का दोस्तों, तो उस पर मैं इतना ट्रस्ट नहीं करता हूँ और नहीं चाहता कि उस पर मेरी कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर हो। तो यहाँ पे क्या करना है, ऐड ऐप नॉट टू बी सेव्ड, तो यहाँ पे आप सॉरी इसे कर देते हैं रिमूव। यहाँ पे हमने जो यूसी मिनी इसे कर देना है सिलेक्ट। तो दोस्तों ये सेटिंग आपने ये कर दी कि कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है वो मेरी यूसी मिनी पे, यूसी ब्राउज़र पे बिल्कुल भी ना शेयर हो। तो ये हमारी सेकंड सेटिंग थी दोस्तों, अगर ये आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने थर्ड सेटिंग्स की ओर, जो आपकी काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट्स है वो आपको कोई नहीं बताने वाला। तो चलिए हम आ जाते हैं क्रोम ब्राउज़र पे। आप जहाँ तक कि आजकल सभी फ़ोन में जो एंड्रॉयड स्मार्टफोन आ रहे हैं उसमें क्रोम ब्राउज़र जो है इंस्टॉल रहता है, तो यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र मैंने ओपन कर लिया, अपना भी कर लीजिए। तो यहाँ पे आप बीच में देख पा रहे हैं सर्च और टाइप यूआरएल, मतलब जो भी चीज़ है वो आपको टॉप पे सर्च करने के लिए आती है, आप जो भी यूआरएल ऊपर सर्च करना पड़ता है, अगर आप चाहते हैं इसे बॉटम में नीचे नीचे आपके ये आए सर्चिंग के लिए, तो इसका भी एक सीक्रेट सेटिंग है जो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपने टाइप करना है क्रोम /, यहाँ पे आपने लिखना है फ्लैक्स, तो आपने लिख लिया क्रोम /, फ्लैक्स, तो यहाँ पे आपने इसे कर देना है सर्च। तो आप जैसे ही इसे सर्च करते हो तो इसकी यहाँ पे दोस्तों एडवांस सेटिंग ओपन हो जाती है, जो कि अभी तक नहीं पता होगी आपको क्योंकि भले आप हमेशा क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते हो। तो यहाँ पे आपने इसे थ्री डॉट्स जो दिख रहा है इसका ऑप्शन का,
इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे फाइंड इन पेज, तो यहाँ पे हमने सर्च करना है, वो सर्च करना है होम। तो यहाँ पे मैंने होम सर्च कर लिया। तो ये सेटिंग जो यहाँ पे शो कर रही है, इस पर कर जो इनेबल हो रखा है, इसे मैं अभी कर देता हूँ डिसेबल। तो यहाँ पे रीलॉन्च के लिए बोल रहा है, रीलॉन्च नाउ। तो मैंने ये रीलॉन्च हो चुका है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं जो पहले ऊपर सर्च कर रहा था वो अभी नीचे आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप कुछ भी सर्च करना चाहें, मान लीजिए मैं एक वेब मैं अपनी साइट जो है अपनी वेबसाइट को यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ azadlikestar.com। तो यहाँ पे अपनी वेबसाइट को मैंने सर्च किया था, जो कि यहाँ पे फटेक से सर्च होके आ गई है, रिज़ल्ट मिल चुका है मुझे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, क्योंकि मेरी मेहनत का फल आपका लाइक है दोस्तों। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम आज़ाद के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।